सतवास में गुरुवार को नवीन शराब दुकान का विरोध देखने को मिला। सतवास के नागरिकों ने तहसील परिसर पहुंचकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार संगीता महतो को ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने ज्ञापन में बताया कि मुख्य मार्ग पर आबादी क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नागरिकों ने बताया कि जिस स्थान पर नवीन शराब दुकान खोली गई है वहाँ पर बस स्टॉप है, जहाँ महिलाएं भी बस का इंतजार करती है। जहाँ पर शराब दुकान खोली गई है वहाँ पर आवासीय कॉलोनी भी है। नागरिकों ने ज्ञापन में बताया कि शराब दुकान मुख्य मार्ग होने से स्कूली विद्यार्थियों का आवागमन भी रहता है। नागरिकों ने कहा कि उक्त स्थान से शराब दुकान नहीं हटाई गई तो आगामी समय में उग्र आंदोलन करेंगे। नागरिकों ने थाना परिसर में पहुंचकर थाना प्रभारी विक्रांत झांझट को भी शराब दुकान के विरोध में ज्ञापन दिया। सतवास से जीतू सिंघी की रिपोर्ट। तहसील सतवास में लोकल सतवास के आम नागरिकों के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो शराब दुकान खोली गई है किराए पर पेट्रोल पंप के पास, उसे बंद कराने के लिए क्या कार्रवाई करें? इसमें ज्ञापन चूंकि द्वारा तहसीलदार सतवास प्रेषित किया गया है और कलेक्टर महोदय को ज्ञापित है, तो मैं इसको अभी अविलंब जो है वो कलेक्टर महोदय को प्रेषित करूंगी। जो भी संज्ञान लिया जाएगा वो कलेक्टर महोदय के स्तर पर लिया जाएगा। जो हमारे सतवास नाके पे जो शराब की दुकान खुली है वो एक सर्वनाश बात है। ये हमारे लिए एक जो त्यौहार चल रहा है रमजान का महीना, और वहाँ सारे लोग इज्जतदार लोग रहते हैं, सब कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, स्कूल जाते हैं, कन्याशाला बनी हुई है, 1000 बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद ठेकेदार की मनमानी के कारण, प्रशासन की मनमानी के कारण शराब दुकान का ठेका खुला है। हमारा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये शराब दुकान बंद होना चाहिए, नहीं तो 2 रोज के अंदर अंदर ये आंदोलन उग्र आंदोलन हो जाएगा। जो वार्ड क्रमांक 6 और 7 के मध्यांतर पे जो अवैध शराब दुकान ठेकेदार द्वारा स्थापित की गई है, उसके विरोध में हम सभी यहाँ तहसीलदार महोदय को कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। जो नगर के मुख्य मार्ग जहाँ पर बस स्टॉप, धार्मिक स्थल, विद्यालय, कन्याशाला सब पास ही पास नजीक स्थिति में स्थित है, यहाँ पर शराब की दुकान खुलना शासन प्रशासन के लिए एक सर्वनाक रवैया है। ठेकेदार की मनमानी के कारण इसका दुष्परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ेगा। हमने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर 2 दिवस में यहाँ से शराब दुकान स्थानांतरित नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।